शुभमन गिल क्या शानदार बल्लेबाजी करी है, जबरदस्त शतक। और जब सेलिब्रेशन किया गुस्से में किया, वरना क्या सेलिब्रेट करते, एकदम आराम से। इस बार वो सेलिब्रेशन में उनके गुस्सा इसलिए था क्योंकि उनका चयन विश्व कप में हुआ नहीं है। वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, किया भी। पिछले कुछ मैचेस में ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा सोच रहे थे वो सिलेक्शन के बारे में। आने वाले वक्त में ये सब भूल के ना, मुझे लगता है ये खिलाड़ी भारत की कप्तानी भी करेगा। इसका वक्त आएगा, यहाँ पे अभी जरूर भारतीय टीम में थोड़े पीछे विश्व कप के लिहाज से, लेकिन जबरदस्त शतक। साई सुदर्शन का भी वो जो शतक देखने को मिला, उसमें जो पावर प्ले का इस्तेमाल किया, ओवर द कवर छक्के लगाए, हाई रिस्क क्रिकेट ज्यादा खेले, अक्सर खेलते नहीं है, अक्सर लो रिस्क क्रिकेट खेलते, तो ये दोनों का शतक जबरदस्त। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ है कि एक इनिंग में एक ही टीम के दो बंदों ने शतक जड़ दिया है, तो काबिले तारीफ बल्लेबाजी वहां पे। मोहित शर्मा भाई क्या गेंदबाज है। सीएसके को देख के, अपनी पुरानी टीम को देख के अपने अलग रंग में आता है। आज भी मैच विनिंग वो स्पेल डाला, तीन विकेट, तीनों तीन सेट बल्लेबाजों का आउट किया, वेरिएशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से ही देखा, और आखिर में महेंद्र सिंह धोनी ने भी बल्ला चलाया, जो शायद जो सिक्सेस आए उसमें रन रेट में भी इजाफा हो। लेकिन अब सीएसके के लिए ना भाई बहुत जरूरी हो गया है कि अगले दोनों मैचेस जीते, बड़ी मेहनत करनी होगी सीएसके को। जरूर पथिराना और मुस्तफिजुर के ना होने से उनकी गेंदबाजी पे असर जरूर हुआ है।